स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ऑटो लेवल मशीन से कैसे सर्वे करते हैं। पूरा थ्योरेटिकल मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। ओके, ये देखिए ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट मैं बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं ताकि और इसको बेटर से समझेंगे। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं कि ये टीबीएम, इसका फुल फॉर्म होता है टेम्पोररी बेंचमार्क, बीएम बेंचमार्क, आरएल रिड्यूसेबल, एफएस फॉर साइट, बीएस बैक साइट, आईएस इंटरमीडिएट साइट और एचआई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो डिटेल में मैं बताया हूं फर्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप समझेंगे कि होता क्या, प्रैक्टिकली आप जान जाएंगे। ओके, देखिए मान लिया जाए इसका सर्वे करना है, क्या करना है इसका सर्वे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ऑटो लेवल मशीन को सेट करना है। उसके बाद मैं बताया था आपसे कि आपको जिस एरिया में सर्वे करना है वहां का बेंचमार्क आरएल नोन होता है, माने आपको जानकारी होना चाहिए कि देखिए बेंचमार्क, फर्स्ट ऑफ बेंचमार्क ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये नोन पॉइंट होता है। और जिस एरिया में आपको सर्वे करना है, मान लीजिए इस एरिया में सर्वे करना है, तो अगर आपके पास ये बेंचमार्क है तो ठीक है, कहीं आपका रेलवे स्टेशन से या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से मिल जाएगा, नहीं तो आप एज्यूम कर सकते हैं, ये बेंचमार्क एज्यूम कर सकते हैं, हम आपको एज्यूम करके बताएंगे। और या तो आप नियर अबाउट कहीं भी अगर बेंचमार्क है, मीन सी लेवल से लिया जाता है, तो आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बेंचमार्क बनाया, ये बेंचमार्क बनाया, इसको फिक्स कर दिया। ओके, अब इस पॉइंट जितने देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमें आरएल मालूम करना है, यानी कि कितना डाउन है कितना अप है, इसको कैसे जानेंगे, तो ऑटो लेवल मशीन से जानेंगे। देखिये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप ऑटो लेवल मशीन को सेट कीजिए, तो ऑटो लेवल मशीन सेट करेंगे ऐसा सेट कीजिए कि ये पॉइंट इस पे स्टाफ अगर रखते हैं तो ये दिखे, तो हम ऑटो लेवल मशीन देखिए हम यहां सेट करते हैं, कुछ इस तरह ऑटो लेवल मशीन को हम सेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये ऑटो लेवल मशीन हम सेट कर दिए यहां पे, ठीक, ऑटो लेवल मशीन सेट करिए, उसके बाद यहां स्टाफ रखें। देखिए यहाँ सब क्लियर होगा आपका, एफएस क्या होता है, बीएस क्या होता है, आरएल क्या होता है, वीडियो लास्ट तक देखें, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन आपको पूरे कैलकुलेट करने समझ में आ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राइज एंड फॉल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देख लीजिए कि जब ये ऑटो लेवल मशीन सेट करेंगे तो पहला रीडिंग जो लेंगे हम पहला, तो ये जो नोन पॉइंट होता है, ये बेंच मार्क है यानी टीबीएम जो है आपने बनाया, इसको एज्यूम किए हैं, देखिए हम एज्यूम कर देते हैं, इसका जो आरएल जो है जो पॉइंट का ये नोन है 100, यानी 100 मीटर ये मीन से लेवल से मान लीजिए जो भी है ये आरएल है 100 मीटर। ओके, तो ये क्या होता है कि हम पहला रीडिंग लेंगे, जैसे मान लीजिए सेट किए हैं इंस्ट्रूमेंट तो इससे हम एक रीडिंग ले रहे हैं, देखिए मान लीजिए एकदम हम इसके डायरेक्ट ये, तो यहाँ जो रीडिंग हम पढ़ेंगे, जो स्टाफ पे रीडिंग पढ़ेंगे, मान लिया जाए कि ये रीडिंग आया 310, यानी 310 यानी 0.310 यानी मीटर में आया, तो हम स्टाफ को अब ये चेंज कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट को मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इस पॉइंट को मुझे आरएल जानना है, देखिए इस वाला पॉइंट को जानना है, तो पहले हम रीडिंग लेंगे, ध्यान देंगे कि फिर हम स्टाफ यहां रखेंगे, देखिए हम स्टाफ रख रहे हैं। ओके, हम स्टाफ, ये आप स्टाफ 3 मीटर का 5 मीटर का जो भी आता है मार्केट में आप उसका यूज कर सकते हैं, फिर हम स्टाफ रखेंगे और इससे हम रीडिंग लेंगे, देखिए इस यहाँ पे आया, ये इसको हम फर्स्ट नाम दिए, थोड़ा आपको समझने के लिए हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं, जब ये रीडिंग लिए, देखिए आप ये रीडिंग लेंगे तो इसको हम दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, इसका रीडिंग आया आपको मैं लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए देखिए तो 1.835 आया। ओके, दूसरा फिर हम ये चेंज करेंगे, यहां से स्टाफ को चेंज करके हम इस पॉइंट पे स्टाफ रख रहे हैं, थोड़ा आप समझिए, फिर हम इसी से रीडिंग लेंगे तो यहां पर रीडिंग आएगा, ये जो रीडिंग आएगा मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं, तो ये रीडिंग आएगा देखिए 1.835। ओके, 1.835 ये रीडिंग आया, तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, थोड़ा यहां दोनों में देखिए, ये जो पॉइंट है ये डाउन है ये अप है, तो इस ये 1835 आया, तो ये थोड़ा सॉरी ये 1708 क्योंकि ये रीडिंग थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये अप में है, तो 1.750 यानी कि ये रीडिंग आया 1.750 यानी 1750 आया, तो ये देखिए रीडिंग हम यहां पे लेंगे, ये सब इसकी एक्सिस पे जाएगा, फिर इसी तरह हम इस पॉइंट पे लेंगे, फिर इसी तरह इस पॉइंट पे लेंगे,
फिर इस पॉइंट पे लेंगे और इस पॉइंट पे लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम ये इसके हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो यहां तक दिखेगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग करें 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पॉइंट तक दिखेंगे। अब देखिए यहां से ये पॉइंट नहीं दिखेगा, है ना, तो हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पॉइंट है, ये थोड़ा डाउन हो गया है इसलिए ये पॉइंट देखिए, तो ये नहीं दिखेगा, तो इंस्ट्रूमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होगा। और ध्यान रहे कि जब एक और ध्यान रहे कि अगर एक्यूरेसी चाहते हैं तो मशीन वहां सेट करेंगे जो टीबीएम जो है 50 मीटर की दूरी से ज्यादा न होना, तो आपको इरर आ सकता है। तो 50 मीटर के अंदर आपका टीबीएम से मशीन होना चाहिए और ये दूरी भी 50 मीटर से ज्यादा न हो, ये भी ध्यान देंगे। तो देखिए 7 पॉइंट लिए, सबका रीडिंग मैंने लिख दिया हूं। देखिए आपका यहाँ पे जो आया 2 का ये आया, 3 का 1.750, 4 का 1.60, आप यहाँ से देखिए 4 नंबर, ये 5 नंबर का देखिए यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 1.90 5 नंबर यानी 5 नंबर, ये 6 नंबर का 1.630, देखिए 1.66 नंबर का, 7 नंबर का आया 1.850। थोड़ा आप ध्यान देने वाली बात है, जब मशीन आप सेट करेंगे तो ये स्टाफ को हिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम बार बार यहां से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये विजिबल भी नहीं हो सकता है, ध्यान है। तो इस जो लास्ट जो 7 पॉइंट है इसको हम यही एकदम स्टाफ को बोलेंगे कि रखे रहे, हिलाना नहीं है, मूव नहीं करना है, और यहां लाके हम मशीन को सेट करेंगे। देखिए अब यहां लाके हम मशीन को सेट कर रहे हैं, मशीन को ऐसा सेट करेंगे कि ताकि ये सब पॉइंट दिखे। तो थोड़ा और हाइट कर दीजिए मशीन को, नहीं तो फिर आपको नहीं दिखेगा। तो ये हमने ये मशीन यहां सेट किया, देखिए यहाँ तो ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, विजुअल हो जाएगा। अब देखिए जब ये मशीन हम सेट करेंगे यहाँ पे, तो पहला हम बीएस लेंगे, यानी कि इस पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट देखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, अच्छा दिख तो जाएगा लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगा, जबकि करेक्शन करेक्ट नहीं आ सकता है, यानी तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास में इसको पॉइंट को देखेंगे। अब ये देखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बीएस हो जाएगा, बैक साइड इसको बोलेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट चेंज किए हैं। फिर इस पॉइंट पे लेंगे, फिर इस पॉइंट पे लेंगे और इस पॉइंट पे लेंगे, तो हम नेमिंग किए इसका आरएल देखेंगे। तो ये 7 था, 7 पे 2 रीडिंग आया, तो ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। तो देखिए हम 7 पे 2 लिखे हुए हैं, 1.330, ओके। अब देखिए 9 नंबर, 8 नंबर, 910 यानी 910 ये आया, फिर आपका ये आया आपका 230, 240, ये देखिए 230, ये देखिए 910 यहाँ पे रखे हैं, फिर ये थोड़ा ऊपर गया तो कम रीडिंग आना चाहिए, तो 230, 240, ओके। अब देखिए हम इसमें जानेंगे कि कौन सा एफएस है, कौन सा बीएस है और कौन सा आईएस है, ये तीनों हम जानेंगे। तो देखिए पहला रीडिंग जो लेते हैं, जैसा कि ये पहला रीडिंग कभी भी नोन प्वाइंट हमेशा जानिए बीएस होता है, जब भी कोई प्वाइंट जानते हैं जिसे टेम्पोररी बेंचमार्क पे रखते हैं ये बीएस होता है। जो लास्ट रीडिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट ये 7 नंबर किए हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफएस, ओके, ये आपका हो जाएगा एफएस। ये क्या होगा, लास्ट रीडिंग क्या होगा आपका एफएस, ध्यान दीजिएगा ये एफएस। और ये जितनी भी पॉइंट है, ये और ये और ये सब जितने भी हैं ये आईएस हो जाएंगे, आईएस इंटरमीडिएट। अब देखिए फिर आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज किए हैं, तो ये बीएस पॉइंट और ये दोनों जो पॉइंट होंगे ये आईएस और ये एफएस। अब चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, एक डायग्राम से समझ गए कि किसको क्या बोलते हैं। अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, मैंने पिछला वीडियो में बताया लेकिन फिर भी बताया हूँ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसलिए लिखा जाता है कि इस पॉइंट्स के रिफरेंस में ये मशीन हमारा कितना ऊंचाई पे है, यानी कि इसका जो एक्सिस होगा, ये मशीन का एक्सिस, इसके रिफरेंस में कितना हाइट है। तो मान लीजिए इसको 100 मीटर हम मान के चल रहे हैं, तो ये प्लस में ये दूरी करेंगे तो इसका एक्सिस का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा ना। तो एच आई इक्वल टू होता है बी एस प्लस में आर एल, यानी कि जो आर एल क्या है, मान लीजिए कि आर एल बेंचमार्क या टीबीएम, ये तीनों हम प्लस कर सकते हैं। आर एल जैसे कि यहाँ लास्ट में रखे थे, ये आर एल हो जाएगा ना इस पॉइंट का, बेंचमार्क तो यहाँ है एक तरह का, इसको टेम्पोररी बेंचमार्क भी बोल सकते हैं, हमने इसको ये टीबीएम बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या प्लस करेंगे, ये बेंचमार्क या टीबीएम जो भी हो आप शिफ्ट किए होंगे, ये प्लस करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट का जब निकालना होगा तो इसके रिफरेंस में निकालना था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो हम जान गए, एच आई जान गए, ध्यान दीजिएगा एच आई जान गए, इसके रिफरेंस में ये कितना डाउन है। तो एच आई में से अगर ये रीडिंग स्टाफ रीडिंग को माइनस कर देंगे, यहां से यहां तक माइनस कर देंगे, थोड़ा समझिए यही समझना होता है, लोग भूल जाते हैं। तो ये जो माइनस करेंगे एच आई में से, ये जो पॉइंट जो आया वो माइनस कर देंगे, तो देखिए एच आई माइनस एफ एस या आई एस, यानी एफ एस हो सकता है और आई एस, तो ये पूरे पॉइंट को हम आर एल इस पॉइंट इस तरह निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम लिखते हैं, ओके, देखिए स्टेशन या सीरियल नंबर लिख सकते हैं, बी एस, आई एस, एफ एस, एच आई, आर एल और टीबीएम,
ये टीबीएम या बीएम। ओके, हम टीबीएम 100 मान के चल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया आपको 100 मान के चल रहे हैं, ये टीबीएम 100 हो गया। ओके, अब देखिए बीएस मैंने बताया था ये रो में लिखना है, तो बीएस पहला पॉइंट को आया था बीएस, हमने बीएस लिख लिया। और देख लीजिए आईएस और एफएस दोनों होता है, तो देखिए यहां से 1 से लेकर 7 पॉइंट तक हम सातवां लास्ट रीडिंग थी, ये एफएस होगा, बाकी इंटरमीडिएट यानी कि दूसरा तीसरा नंबर जितने भी है, देखिए ये जो रीडिंग लिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ये सब कितना हम लिए लिख देते आईएस आईएस दूसरा आईएस ओके ए बी आईएस ये 7 नंबर एफ एस, तो ये हम फिल कर देंगे। देखिए आईएस 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 और ये देखिए एफ एस में आ गया, यानी 7 नंबर जो हुआ आपका एफ एस में आ गया। अब देखिए 7 पॉइंट पे एक और पॉइंट लिए थे, तो ये आपका बीएस में आ जाएगा, जस्ट इसके सामने बीएस, इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। देखिए जहां एफ एस के जस्ट बाजू में अगर बीएस रहेगा तो इसको बोलते हैं सीपी, इसके यहां नोट कर सकते हैं चेंज पॉइंट, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। ओके, उसके बाद हमने लिया आईएस आईएस तीन रीडिंग लिया, तो देखिए ये तीन रीडिंग लिए थे, तो ये तीनों ये आपका एफएस हो जाएगा, और ये बल्क आईएस आईएस ये एफएस। ओके, अब देख लीजिए लास्ट तक देखिए, मैं चेक करके बताऊंगा क्या सही कैसे कैलकुलेशन चेक करते हैं, अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है कैलकुलेट करते हैं या सर्वे करते हैं तो इसको चेक कैसे करेंगे ये मेरा कैलकुलेशन कैसे सही है या नहीं है, क्योंकि मिस्टेक ना हो, तो लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा। ओके, अब देख लीजिए यहां तक हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हर पॉइंट का आरएल हमको चाहिए, इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताया हूं एचआई माइनस आईएस या एफएस, एचआई पहले निकालेंगे, तो एचआई कैसे नहीं आपको हमने बताया, एचआई इज इक्वल टू होता है एचआई इज इक्वल टू बीएस प्लस आरएल, यानी कि बेंचमार्क बोल सकते हैं, बेंचमार्क या टीबीएम बोल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 100 माना, एज्यूम किया 100, तो ये आपका 100 हो गया, तो ये 100 प्लस दोनों प्लस कीजिएगा तो क्या है 100.310, ये आपका एचआई। देखिए ये एचआई कब तक काम करेगा, जब आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ही माइनस करेंगे। अब देखिए आरएल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आरएल निकालने के लिए एचआई माइनस एफएस या आईएस, तो देखिए ये सब में माइनस कर देंगे, इस दिस माइनस, ध्यान से देखिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेटर है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये आएगा, इसमें से ये माइनस कीजिए तो ये आएगा, फिर इसी में से ये माइनस करेंगे, अब माइनस करते जाइए, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा दिस, और ये माइनस करेंगे तो दिस ये आएगा, और इसी में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसी में से माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए एफएस, अब ये जो पॉइंट कैसे आया ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे ये दिस, यानी कि ये माइनस ये, तो ये आ गया इक्वल टू, लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब ये सब पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा सीपी बनाया था, एक इंस्ट्रूमेंट चेंज किया था यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि ये आरएल मानेंगे, ये आपको आरएल मानेंगे, ये आरएल यही टेम्पोररी बेंचमार्क मानिए, डिस प्लस में ये करेंगे तो इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये प्लस ये करेंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सेकेंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया और ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट निकल गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया, तो दिस माइनस, ध्यान दीजिए दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये माइनस करेंगे और इज इक्वल टू ये, और देखिए ये अब ये इसी से ये माइनस होगा दिस माइनस ये। अब देखिए ये आ गया लास्ट, सभी पॉइंट का हम आरएल जान गए, 1 से लेकर के जितने भी थे, जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी लिखे हैं सबका आरएल हम जान गए। ओके, अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए समेशन ऑफ बीएस को आप जोड़ लीजिए, देखिए क्या करना है आपको बीएस को जोड़ लीजिए, 0.310 को जोड़ लेंगे तो 1.6 आया, और एफएस को भी जोड़ लीजिए, और लास्ट आरएल क्या आया, जिसे लास्ट पॉइंट का और फर्स्ट आरएल क्या था 100, ये दोनों को रखिए। अभी देखिए इसको चेक होता है समेशन ऑफ ए बीएस ये सबका जोड़ और माइनस समेशन ऑफ एफएस इज इक्वल टू बराबर आना चाहिए लास्ट आरएल, जो लास्ट आरएल ये आया और माइनस फर्स्ट आरएल क्या है 100, दोनों में से माइनस कीजिए, तो देखिए समेशन ये है इज इक्वल टू, यानी कि ये आपका है बीएस, तो बीएस माइनस ये एफएस लास्ट समेशन ऑफ एफएस दिस माइनस दिस, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना रहा, बराबर आ रहा है कि नहीं, क्या मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है, आप कमेंट्स कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा राइज एंड फॉल मेथड से, और ये भी बताऊंगा कि सिर्फ रीडिंग दिया रहेगा तो कैसे आप जानेंगे कि सीपी चेंज पॉइंट कहां हुआ, तो इसमें कैसे आपसे कुछ रीडिंग दिखा के बोल दिया जाए कि चेंज पॉइंट कौन हुआ, तो आप कैसे जानेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चेंज पॉइंट कैसे जानते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आई होप आप सबको
समझ में आ गया होगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकली साइट पे सर्वे करके दिखाया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ अलग से, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू लर्न ऑटो लेवल, यानी कि ऑटो लेवल कैसे सीखते हैं और सर्वे कैसे करते हैं, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं साइट पे वर्क एक प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन करके मैं बताया हूँ। ओके,